तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं साहिल फ्रीडिस यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं एक एयर माउस। एयर माउस क्या होता है कि इशारों में आपका रिमोट काम करेगा, यानी कि अब आपके रिमोट पे उंगलियां नहीं चलेंगी, बस इशारा चलेगा और आपके टीवी चैनल्स बदले जाएंगे। और उसके बाद से अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो कंप्यूटर में भी आप इशारों से किसी भी फाइल को खोल सकते हैं, किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, सेटअप बॉक्स में किसी भी चैनल को आप चला सकते हैं। ऊपर से नीचे आपको कोई भी बटन दाबने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल साहिल फ्रीडिस। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एयर माउस। अब बहुत ही सस्ता है और बहुत ही किफ़ायती है। 10 मीटर तक इसका डिस्टेंस है, यानी कि 10 मीटर के दायरे में अगर आप रहते हैं तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान से कनेक्टेड रहता है। यानी कि आप ऐसे हाथ में लिए हो और कहते हो चल भाई जी टीवी लगा दे, जी टीवी आ जाएगा। आप अगर कंप्यूटर के माई कंप्यूटर को खोलना चाहते हो, कहते हो भाई चल कंप्यूटर माई कंप्यूटर खुल जाए, तो ये खुल जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है। प्लस इसमें दोस्तों कीबोर्ड भी है। अगर आप पबजी जैसे गेम्स को खेलते हो तो दोस्तों कीबोर्ड का यूज़ तो करते ही होगे। साथ में दोस्तों अगर माउस वगैरह का भी यूज करते हो तो बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है, जिसका नाम है एयर माउस। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों इसकी पूरी डिटेल दिखाएंगे। बहुत ही सस्ता मिल रहा है और कुछ दिनों के लिए आप लोगों के लिए ऑफर भी चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है कूपन कोड के साथ। साथ ही साथ दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इस प्रोडक्ट का यूज आपको कैसे अपने सेटअप बॉक्स, अपने स्मार्ट टीवी, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, अपने प्रोजेक्टर और तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें हैं जहाँ पर आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी ज़बरदस्त तरीके से। तो दोस्तों सबसे प्यारा प्रोडक्ट, एकदम न्यू प्रोडक्ट है और लेटेस्ट है ये दोस्तों, और एयर माउस वायरलेस कीबोर्ड, एयर माउस आईआर रिमोट बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। और ये किस किस डिवाइसों में काम करता है आप लोग इसके पीछे आप लोग देख सकते हो, एंड्रॉयड टीवी बॉक्स, मिनी पीसी, स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर, उसके बाद से एचटीपीसी और ऑल इन वन पीसी एंड टीवी। और दोस्तों इसका डिस्टेंस आप लोग देख सकते हो, डिस्टेंस इसका है 10 मीटर, अप टू 10 मीटर ट्रांसमिशन डिस्टेंस। और उसके बाद से 2.4 गीगा 3D एयर माउस ये कीबोर्ड है। और उसके बाद इसका फीचर है दोस्तों LED स्टेटस इंडिकेशन, यानी कि इसका LED बल्ब जो है इंडिकेट करता है। तो खैर दोस्तों इसे हम ओपन करते हैं बड़े ही आराम से। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं मैं कुछ इस प्रकार से इसे ओपन कर रहा हूँ, और ये देखिए दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से ये यहाँ से निकलता है। और यहाँ पे दोस्तों और कुछ नहीं है, कुछ चाइनीज लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है जो कि इसका यूजर मैनुअल है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसे हम किनारे रख देते हैं इन दोनों चीज़ों को। बाकी दोस्तों ये रहा आपका अपना प्यारा सा वायरलेस कीबोर्ड माउस, एयर माउस है दोस्तों, बस इशारों से काम करेगा। अब कैसे काम करेगा ये भी बताएंगे। बाकी दोस्तों इसके पीछे आपको यहाँ पे कीबोर्ड मिल जाएगा, जहाँ से आप बड़े ही आराम से टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं आराम से। और उसके बाद से इशारों से ये काम करने वाला एयर माउस है, बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। तो इसे हम रखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक केबल इसको मिल जाती है चार्ज करने के लिए, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। ये है RX232 की केबल है ये, और ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से इसका वो होगा चार्ज करने के लिए। आप अपने चार्जर में लगा के इसे चार्ज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे एक ब्लूटूथ मिलता है, जो कि आप यही आपके डिवाइस को, ये देख सकते हैं यही आपके डिवाइस को बताता है, कनेक्ट करता है आपके डिवाइस से, ये देखिए। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये सामने एक रखा हुआ है बॉक्स, जो कि मैं इन सब चीज़ों को अलग करता हूं। और इसमें दोस्तों बड़े ही आराम से ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है, इसमें मैं इसे लगा देता हूं दोस्तों कुछ इस प्रकार से। ये यहां से लग गया, ठीक है।
अब दोस्तों मैं ऊपर आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों रिमोट जो है इसे मैं अभी ऑन करूँगा। तो ऑन करने के लिए दोस्तों ऊपर जो ये बटन दिए गए हैं, ये जो रेड कलर में बटन है, इसे आप ओके करेंगे, लाइट इंडिकेट होने लगी। तो दोस्तों ये हमारे सिस्टम से कनेक्ट हो गया है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, ये मैं ये बटन दाब रहा हूँ तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये हो रहा है। अब दोस्तों अब इसका माउस का एरो लाने के लिए यहाँ पे आपको एक स्पॉनी को मैं निकाल देता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं माउस का एरो निकाल लगाने के लिए ये लगा देता हूँ। अब देख सकते हैं आप लोग ये इशारों में काम कर रहा है, ये चल रहा है। आप लोग हमारी टीवी की तरफ देखें, ये देखिए ये इशारों में काम कर रहा है। और जहाँ पे हमें एरो ले जाके बस हमें एरो से क्लिक कर देना है। आप लोग देख सकते हो, ये देखिए ये मुझे यूट्यूब अगर क्लिक करना है तो यूट्यूब पे लाए और उसके बाद से ओके कर दिया, यूट्यूब चलने लगेगा। और खैर नेटवर्क में मैंने कनेक्ट नहीं किया है, वहीं पे दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप किसी भी फोल्डर में जाके आप लोग देख सकते हो, कहीं भी जाके जैसे कि ये है प्ले स्टोर, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी अच्छी डिवाइस है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बस आपके इशारों से काम करेगा जिस प्रकार से माउस काम करता है, लेकिन ये एयर माउस है, रिमोटिंग माउस है और रिमोट की तरह ये काम करता है, लेकिन दोस्तों बस इशारों में काम करेगा। बस आप इशारा करोगे तो ये काम करना स्टार्ट करेगा कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों बड़ा ही प्यारा है, यहाँ पर आपको नंबर्स मिल जाते हैं जो कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप कीबोर्ड का भी काम करता है, बड़ी आराम से ये काम करने वाला है। तो मेरे भाइयों ये आपके रिमोट के जैसा है, यानी कि यूं कहें कि रिमोट से भी बहुत ही हल्का है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कीबोर्ड भी है, जहाँ पे आप बड़े ही आराम से अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो गेम खेल सकते हो। कोई मैसेज टाइप करना है, कुछ लिखना है, आराम से आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर हमें कोई चैनल बदलना होता है तो चल आपको बस गुरु को चालू करना है, बस कहना है चल गुरु हो जा शुरू। हाथ में आने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे खरीदें। और बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट मेरे को लगा। अब आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं मिलता हूं किसी और नए वीडियो में। साथ ही साथ हमारा एक और चैनल है द साहिल टीवी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जाओ सब्सक्राइब कर लो।